हेलो गाइस, दिस इज रोहित राय एंड वेलकम टू माय वीडियोस। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है। इसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं अपना वीडियो सूचन अपलोड करूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रनिंग करने का फायदा, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रनिंग करने का कुछ तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तीन वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था फिट और एक्टिव रहने का कुछ तरीका, तो आज बात करते हैं रनिंग यानी दौड़ना। दोस्तों, रनिंग एक्सरसाइजों में सबसे आसान एक्सरसाइज माना जाता है। चाहे आप कभी भी दौड़े, किसी भी समय दौड़े, रनिंग करने से आपको सिर्फ फायदा ही मिले। नंबर वन, वजन घटाए। यानी जिन लोगों को मोटापा लेके प्रॉब्लम है वो भी रनिंग शुरू कर सकता है, क्योंकि दौड़ने से आपकी कैलोरी बर्न होती है जिससे आपका फैट जल्दी बर्न होगा, चाहे आप किसी भी समय दौड़े। नंबर दो, दिल के स्वास्थ्य को सुधारता है, शरीर की रक्त संचरण को भी बढ़ाता है और रक्तचाप को बनाए रखता है और काफ़ी दिल संबंधी रोगों को दूर रखता है। नंबर तीन, स्टेमिना बढ़ाता है। रोजाना रनिंग करने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अगर आप पूरा दिन थका हारा ऊर्जाहीन महसूस करते हैं तो रनिंग करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। इससे आपको ऊर्जा भी मिलेगा और पूरा दिन आपको फ्रेश भी महसूस होगा। नंबर चार, हड्डियों को मजबूत करता है। रोजाना दौड़ने से ऑस्टियोपोरियासिस और गठिया जैसी हड्डी संबंधित रोगों को दूर रखता है और ये आपकी हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। नंबर पाँच, चर्बी झड़ाता है। रोजाना दौड़ आपके शरीर के फालतू कोशिका को चलाता है और शरीर को फिट और सुंदर बनाता है। ये आपकी मेटाबोलियम को बढ़ा देता है और आपकी फालतू बेली फैट को कम करता है। नंबर छः, बेहतर नींद लेने में मदद करती है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप रोजाना सुबह के टाइम दौड़े तो उससे आपको बेहतर नींद लेने में भी मदद करेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रनिंग करने का कुछ तरीके। सबसे पहली बात, आप ये कोशिश करें कि आप ग्राउंड में दौड़ें। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पे नहीं दौड़ सकते, आप रोड पे भी दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड में दौड़ने से होगा आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा। रनिंग करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने नाक के बल सांस, क्योंकि अगर आप नाक से सांस ना लेंगे तो थोड़ा देर दौड़ने के बाद ही आपका गला सूखने लगेगा। तो इससे होगा क्या, आपका गला सूख जाएगा और सांस लेने में आपको दिक्कतें आएगी, तो उससे आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, आपका दम जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, पूरा सांस अंदर ले और बाहर छोड़े। अगर आप सांस नहीं लेते इसका मतलब आप अपना पूरा ऑक्सीजन अंदर नहीं ले रहे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं छोड़ रहे। इस तरह आप अपने फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हो। फेफड़ों के इस ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन के आदान प्रदान की जगह कम होती है, तो आप नियमित जब सांस लेते हो और छोड़ते हो इससे होगा क्या, आपको फेफड़ों को सही हवा मिलेगा और आप जल्दी नहीं थकोगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर फिटनेस से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाल कलर का बटन है दोस्तों, मुक्का मारो, तोड़ दो, लेकिन सब्सक्राइब होना चाहिए।